हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और मैं पिछले 46 ईयर से आयुर्वेद पद्धति के द्वारा सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट्स का बहुत ही सफलतापूर्वक तथा बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट करता आ रहा हूं। मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझे शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन तथा पूरे इरेक्शन के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के बारे में। तो इसको समझने से पहले मैं आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के मेनली तीन फेजेस होते हैं। नंबर वन, एक्साइटमेंट फेज। नंबर टू, प्लेट्यू फेज। नंबर थ्री, ऑर्गेजम एंड इजैकुलेशन फेज। हमारी पांच इंद्रियां हैं, टच, टेस्ट, हियर, स्मेल, सीन। जब हम अपने पार्टनर को टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी पांचों इंद्रियां जो हैं वो उत्तेजित होती हैं और हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोनल थ्रिल पैदा होती है, जिसे हम जोश भी कह सकते हैं। ये हार्मोनल थ्रिल हमारे ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी पीठ से होती हुई हमारे लिंग तक पहुँचती है और लिंग में तनाव आना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं एक्साइटमेंट फेस। इसके बाद हम अपनी इंद्रियों को बारी बारी से स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं या तृप्त करते हैं, तो वैसे वैसे एक्साइटमेंट जो है बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो लिंग का तनाव है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसको कहते हैं फोर प्ले या प्लेट्यू फेस। जब ये प्लेट्यू फेस या फोर प्ले अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है, पीक तक पहुंच जाता है, तो फिर शुरू होता है पेनिट्रेशन का फेस। पेनिट्रेशन में जो मेल है वो अपना ऑर्गन फीमेल की वजाइना के अंदर पेनिट्रेट करता है या इंसर्ट करता है। तो इस समय से शुरू होकर जब तक मेल पर्सन जो है वो इजैकुलेट नहीं होता, उस फेस, उस टाइम को हम कहते हैं इंट्रा वजाइनल इजैकुलेटरी लेटेंसी पीरियड, आईलेट। यानी वो टाइम जब से मेल पर्सन का जो लिंग है वो औरत की वजाइना के अंदर गया और उसके बाद जब तक वो इजैकुलेट नहीं हुआ, तो इस सारे पीरियड को इंट्रा वजाइनल लेटेंसी पीरियड कहा जाता है। और ये इंट्रा वजाइनल लेटेंसी पीरियड जो है ये एज के मुताबिक बढ़ता कम होता रहता है, मगर जो मैक्सिमम इंट्रा वजाइनल लेटेंसी पीरियड है वो 6.5 मिनट है। आप अच्छी तरह से नोट कर लें, इट इज़ एवरेज 6.5 मिनट्स। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आके बोलते हैं कि हमारा जो टाइमिंग है वो तो 10-15 मिनट से वैसे ही बहुत ज़्यादा है, अब इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो इजैकुलेशन से रिलेटेड डिसीजेज या डिसऑर्डर हैं वो चार हैं। पहला है अर्ली इजैकुलेशन, जिसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। दूसरा है इम्पेयर्ड इजैकुलेशन या इम्पेयर्ड ऑर्गेज़म। तीसरा है डिलेड ऑर्गेज़म और डिलेड इजैकुलेशन। और चौथा है एब्सेंट ऑर्गेज़म और एब्सेंट इजैकुलेशन। अगर किसी पेशेंट का जो लिंग है वो 2-3 मिनट के अंदर डिस्चार्ज होता है तो उसे हम अर्ली इजैकुलेशन बोलते हैं। अगर वो 6 मिनट से पहले पहले हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। मगर अगर वो पीरियड जो है 10 मिनट से ऊपर चला जाता है तो उसे हम इम्पेयर्ड इजैकुलेशन बोलते हैं। और अगर ये 20 मिनट से ऊपर चला जाता है तो उसे हम डिलेड ऑर्गेज़म या डिलेड इजैकुलेशन बोलते हैं। अगर ये पीरियड आधे घंटे से भी ऊपर चला जाता है तो उसे हम एब्सेंट इजैकुलेशन बोलते हैं। तो इसलिए ये चार डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में आपको अपने क्वालिफाइड वैद्य, हकीम या डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बहुत से लोग इसको प्लस पॉइंट समझते हैं कि हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा है, वो टाइमिंग नहीं है, दैट इज़ अ डिसऑर्डर। उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से पॉजिटिवली बात करनी चाहिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो पॉन्स देख के आते हैं और वो हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि पॉन्स में उनके लिंग की लंबाई काफ़ी होती है, उनका टाइम भी बहुत लगता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, शायद आपको इसके बारे में पहले नॉलेज नहीं होगा, कि जब भी ये पॉन्स बनती हैं तो जो मेल पार्टनर होता है उसके लिंग के बेस पर एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसका जो लिंग है वो 6-8 घंटे तक बिल्कुल इरेक्ट रहता है और उसके साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा
बढ़ोतरी हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि लिंग, हमारा लिंग जो है उतना बड़ा और उतना टाइम लगना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, वो चार तरह के इंजेक्शन आते हैं। एक तो होता है सिंपल इंजेक्शन, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं बाई मिक्स, दूसरा ट्राई मिक्स, तीसरा क्वाड मिक्स। जो बाई मिक्स होता है उसमें दो इंजेक्शन होते हैं, जो ट्राई मिक्स होता है उसमें तीन इंजेक्शन होते हैं, और जो क्वाड मिक्स होता है उसमें चार इंजेक्शन होते हैं। मतलब एक इंजेक्शन में ही चार इंजेक्शन होते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है उसको इंसुलिन सिरिंज से उसके लिंग के बेस के ऊपर लगाया जाता है, और उससे उसका टाइमिंग और उसकी इरेक्शन जो है वो 8 घंटे तक पूरी तरह से बरकरार रहती है। इसलिए आप पॉन्स मूवी को देखकर अपने लिंग को बढ़ाने की या अपने टाइम को बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। दे पीपल आर अंडर द इफेक्ट ऑफ मेडिसन्स, वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अंडर होते हैं, जिससे उनका लिंग का साइज और उनका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है कि इसके क्या क्या कारण हैं। तो जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, इसके कारणों में सबसे बड़ा कारण है एंग्जाइटी, दूसरा है सेक्सुअल इनएक्सपीरियंस, पेशेंट को सेक्स के बारे में पूरा नॉलेज ही नहीं है, तीसरा है डिटीरियोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है, चौथा है विक्टिमाइज बाय द पार्टनर। बहुत से पार्टनर जो होते हैं वो अब फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को कोऑपरेट नहीं करते, जिससे उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन और पूरा इरेक्शन दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और पांचवा है परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस। जब भी आप परफॉर्म करने के लिए जाते हो तो आप अपने मन में ये धारणा बना के जाते हो कि आज मैंने टाइमिंग बहुत इंक्रीज करनी है, मैंने इरेक्शन बहुत इंक्रीज करनी है, एंड अगेन यू फेल। तो इसलिए जो परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस होती है उसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो है वो पक्की है। उसके बाद आता है इसके कौन कौन से शरीरी कारण हैं। शरीरी कारणों में आता है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं या आपके जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल्स हैं वो अगर एबनॉर्मल हैं, कम हैं, या उनकी रेशो ठीक नहीं है, तब भी आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। उसके बाद आता है कुछ एक डिसीजेस, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, ओबेसिटी, कोई पेल्विक सर्जरी आ गई, इसके अलावा स्क्रोटल और इंग्वाइनल हर्नियल रिपेयर, रेडिएशन, प्रोस्टेक्टमी, प्रोस्टाइटिस, कुछ एक बीमारियां जो लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारियां हैं जिनमें आपका जो सेक्सुअल इम्पैक्ट है वो तो कम नहीं होता, सेक्सुअल पोटेंशियल तो आपका बिल्कुल ठीक रहता है, मगर इन एबिलिटी टू परफॉर्म की वजह से आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन का शिकार बन जाते हैं। तो इसलिए ये बीमारियां जिनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज भी आती हैं, कुछ एक लोकल पैथोलॉजीज भी हैं जैसे फाइमोसिस वगैरह। तो नेक्स्ट आता है ड्रग्स में आता है अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग, कोकेन, मरवाना, रिक्रिएशनल ड्रग्स, हीरोइन। उसके बाद नेक्स्ट आती है कुछ एक मेडिसिन होती हैं जो हमें हमारे डॉक्टर जो हैं वो हमारी प्रॉब्लम के लिए हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें आता है बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर आ गया एंटी एंड्रोजन ड्रग्स, उसके अलावा कीटाकिनाजोल, मेटाक्लोप्रामाइड जो हम आमतौर पर गैस की गोली के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की मेडिसिन हैं जो हमारे सेक्सुअल इम्पैक्ट को कम करती हैं और प्री मैच्योर इजैकुलेशन या रिटार्डेड इजैकुलेशन तक भी हमें लेके जाती हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल एंड नर्व्स। जो ब्लड वेसल एंड नर्व्स हैं इनकी अगर कोई डिसीज़ है, जिस तरह से वीनस इनसफिशेंसी है, खास करके पेल्विक रीजन की वीनस इनसफिशेंसी, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, आर्टेरियो सेक्लेरोसिस, मायोपैथी, न्यूरोपैथी, एंजियोपैथी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन तथा पूरा इरेक्शन दोनों की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, 75% ऑफ द पीपल जो हैं उनमें डायग्नोसिस जो है वो
नाड़ी परीक्षण से, उनकी डिटेल हिस्ट्री से, उनके फिजिकल एग्जामिनेशन से किया जा सकता है। मगर कुछ एक पेशेंट्स को जो होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या क्रॉनिक होते हैं या बहुत देर से जिनको प्रॉब्लम है, उन लोगों में कुछ एक टेस्ट होते हैं जिनमें होती है मेटाबॉलिक प्रोफाइल्स, हार्मोनल प्रोफाइल्स, NPTR, PBI, पिनाइल कलर डॉपलर, फिर उसके बाद आता है कवर्नसोमेट्री, कवर्नसोग्राफी। ऐसे कुछ एक टेस्ट हैं जिनको करवाने के बाद हम बिल्कुल पिन पॉइंट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस प्री मेच्योर इजैकुलेशन तथा पूर इरेक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉपर या पिन पॉइंट कॉज क्या है। और जब हमें कॉज का पता लग जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, एंड दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट में आयुर्वेद में इसके लिए हम रसायन, बाजीकरण, उत्तेजक, शुक्रल, स्तंभक, शामक ये द्रव्य देते हैं। इन द्रव्यों में जो मेन है वो है सफ़ेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा, कौंच बीज, कोट, जायफल, जवित्री, अकरकारा, ताल मखाना, मखाना, मुश्कदाना, जौंप, इंद्रजौ, सोना पाठा, शिलाजीत, केसर, कुछ एक भस्में। तो ये जो जितने भी द्रव्य हैं इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको अपने क्वालिफाइड वैद्य या डॉक्टर या हकीम से अपने तकलीफ़ के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने के बाद इन द्रव्यों का चयन आपके गुण, दोष, धातु तथा प्रकृति के अनुसार किया जा सकता है। और वो द्रव्यों को, एक द्रव्य को देना है या द्रव्यों का मिश्रण देना है, ये भी आपका जो वैद्य या हकीम है वो डिसाइड करता है। और उसको किस अनुपान के साथ देना है, यानी कि किस चीज़ के साथ आपने उसका प्रयोग करना है और किस मौसम में या किस ऋतु में उसका यूज़ करना है, ये भी आपको आपका वैद्य हकीम या डॉक्टर जो है वो ज़रूर बताता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सर्वे संतु निरामय।